और पिछली वीडियो में हमने पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बारे में बात की थी, उनका कार्य बताया था। आज हम बताएंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टन, पिस्टन कितने प्रकार के गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नीचे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिस्टन एक मॉडल पड़ा हुआ है, मॉडल के अंदर डिफरेंट टाइप के पिस्टन के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है हमारे पास स्वर्लिंग टाइप पिस्टन। तो स्वर्लिंग टाइप पिस्टन, पिस्टन के हेड से पहचान होती है कि उसका टाइप कौन सा है। तो हेड वाला भाग ये होता है, तो ये वाले भाग से पहचान होती है कि वो कौन सा टाइप है। तो जो स्वर्लिंग टाइप पिस्टन है वो उसका बीच से थोड़ा सा साइड को, पिस्टन के हेड के बीच से सेंटर से थोड़ा सा साइड को एक भाग नीचे की तरफ गया हुआ है, उसके बीच में एक उभरा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं हम स्वर्लिंग टाइप पिस्टन। तो ये मैक्सिमम बड़ी गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है फ्लैट हेड, जिसका हेड बिल्कुल फ्लैट होगा, ये है इसका हेड और बिल्कुल प्लेन होगा, वो वाला पिस्टन होगा फ्लैट हेड टाइप पिस्टन। इसके आगे है नंबर 3 पे डिस हेड टाइप, नंबर 3 पे है डिस हेड टाइप पिस्टन। तो हेड ये वाला भाग है और जो इसके हेड के बिल्कुल सेंटर को बीच में गया हुआ भाग होगा, जिसके बीच में कोई स्थान नहीं होगा, उसको बोलते हैं डिस हेड टाइप पिस्टन। तो इसके बाद में है कन्वेक्स टाइप, ये मैक्सिमम बाइक्स या स्कूटर्स में यूज किया जाता है। तो इसमें जो हेड का भाग है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे कन्वेक्स हेड टाइप पिस्टन। तो नेक्स्ट रहा, लास्ट रहा हमारे पास कनकेव टाइप। तो कनकेव जो इसका हेड होगा, हेड के थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकाव रहेगा हेड के बीच वाले भाग का, उसको बोलते हैं हम कनकेव टाइप पिस्टन। का कार्य होता है क्रैंकशाफ्ट से आए हुए रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करना। धन्यवाद।